हेलो टॉरस, वेलकम टू ग्रुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की फोर्थ वीक की 23rd से लेके 31st के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर टॉरस, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, and seven of swords। Taurus, यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली आप यहाँ हैप्पी दिख रहे हैं, आपका परिवार अच्छा खासा है, हर तरीके की सपोर्ट है आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट है आपके पास, आपके परिवार का सपोर्ट है और सब कुछ है। बट फिर भी फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आपकी चीजें अगेंस्ट जा रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी भी परिवार में आप जहां भी हैं वहां पे बैलेंस बराबर नहीं है, पक्षपात हो रहा है। एग्जैक्ट शब्दों में मैं कहूं तो आपको ऐसा फील हो रहा है अपने रिलेशंस में। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जिनके वो कांटेक्ट में हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ज्यादा उनको तवज्जो दे रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। या टेन ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि वो आपके साथ हैप्पी हैं, आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, यहां परफेक्ट सिचुएशन दिख रही है। चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको लगातार ये फील हो रहा है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा, जबकि इतना ज्यादा अटेंशन आपको ऑलरेडी मिल रहा है। आपके अंदर लगातार इच्छा हो रही है कि आपको जस्टिस मिले। आपको ऐसा लग रहा है लिटरली कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि सारी बेस्ट चीजें जो है आपके पार्टनर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप कुछ ना कुछ कमी निकाल ले रहे हैं उसमें। शायद आप पॉजिटिविटी नहीं देखना चाह रहे इस वक्त या देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आपके आसपास बनी हुई है। एंड वो जो भी करते हैं आप कुछ ना कुछ इस पर प्रॉब्लम निकाल ही देते हैं, ओवर जजमेंटल हो रहे हैं और अपने लिए जस्टिस खोज रहे हैं। और यहां पे है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सो सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ टॉरस, लाइफ में आगे बहुत कुछ है, आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों आप पास्ट के इश्यू लेके बार बार उठा देते हैं उनके सामने। चीजें जो पीछे छूट गई उनको आपके पार्टनर पीछे छोड़ चुके हैं। अगर वो आपसे आके कहते हैं कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें हमारे बीच में खत्म हो गई, तो आप कह रहे नहीं, अभी हिसाब बाकी है, पहले उस चीज का हिसाब करो। इस तरह की कोई चीज हो सकती है, क्योंकि अभी भी आप पास्ट से बाहर नहीं आए हैं एंड कंटिन्यूअसली अपने पार्टनर को अभी भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे हैं। तुमने क्या किया था, अभी जस्टिस नहीं हुआ है, सारा फोकस मुझे चाहिए, सारा अटेंशन मुझे चाहिए। यहां थोड़े से आप सेल्फिश हो सकते हैं, जो कि कभी कभी हल्को ही होता है, इसमें कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा बैलेंस्ड रहिए, पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको हैप्पी करने की, बट आप कुछ ना कुछ इश्यू निकाल ले रहे हैं उसमें। कौन सी जनरल रीडिंग है, सारे टॉरस ऐसा नहीं बिहेव कर रहे होंगे, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी टॉरस का पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा हो। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब वहम है, इल्यूजन है, आपके सामने ड्रामा किया जा रहा है या लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है अभी, एंड आप ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन इतना कैसे बदल गया। एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ सारी चीजें आपको वहम लग रही हैं और आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इसका असर सिर्फ आपके पार्टनर पे नहीं हो रहा, आप पे भी हो रहा है। आपके अंदर जो ये इनसिक्योरिटी है या फिर ये जो नेगेटिविटी है, इसके कारण आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे और ये पर्सन कभी बदलने नहीं वाला, एंड जो करना है आपको खुद को करना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं और आप अकेले बैठ के सारी चीजें सोच रहे हैं। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज पे समझौता करना चाहें, कोई अग्रीमेंट करना चाहें कि ओके हम चीजों को ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तुम्हारे हिसाब से ही कर लेंगे या कोई इस तरह की चीजें, लेकिन आप हर चीज को लेकर शक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप आगे की कोई बात नहीं करना चाहते जब तक कि पहले की जितनी प्रॉब्लम्स थी सबका हिसाब पूरा नहीं होता या सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। फिर यहां पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स का दिया हुआ तोहफा है आपको टॉरस। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ रियलाइज कर चुके हों ऑलरेडी कि उन्हें किसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए या क्या करना चाहिए। पास्ट की बातों को आपको भूलना होगा, नहीं तो आप ये एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि एक्चुअली में आपके पार्टनर ऐसा ना कर रहे हों जैसा आप सोच रहे हैं, आपको लगातार ये लग रहा है कि वो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों को लेकर आप परेशान हो जा रहे हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जा रही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनकी कोई अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जिसको लेके आप ज्यादा कुछ सोच ले रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको एक बार इनको मौका जरूर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है। टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। सनत कुमारा,
लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भरोसे के साथ अपनी आइडियाज को ब्राइट कीजिए, दूसरों के सामने रखिए और उनको जानने दीजिए कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आपके जो अंदर से आवाज सुनाई दे रही है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। हो सकता है आपका दिमाग आपको बार बार पास की बात याद दिला रहा हो, लेकिन आपका हार्ट कहीं ना कहीं चीजों को साफ साफ आपको बता रहा है कि शायद आपको इस रिलेशनशिप को एक मौका और देना चाहिए। सो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।